पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में पहला रन स्कोर करने और पहली सेंचुरी बनाने वाले स्टाइलिश बल्लेबाज नज़र मोहम्मद अपने पूरे करियर में सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस ही खेल पाए, जिसकी बुनियादी वजह नूरजहां के खाविंद का वो छापा था जिस दौरान इनका बाजू टूट गया और फिर इनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। किस्सा कुछ यूं है कि सन 1953 में मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ एक दोस्त के घर डेट मारने के दौरान इनके शौहर शौकत रिजवी ने छापा मार डाला और अपनी जान बचाने के लिए नज़र मोहम्मद को घर की 25 फीट ऊंची खिड़की से कूदना पड़ा। इस दौरान वो अपना बाजू तोड़वा बैठे और हमेशा के लिए क्रिकेट के मैदानों से आउट हो गए। याद रहे कि बाद हजार नज़र मोहम्मद की कमी इनकी अगली जनरेशन यानी इनके बेटे मुदस्सर नज़र ने पूरी की, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मुस्तकिल हिस्सा बनकर कई साल तक क्रिकेट खेलते रहे। कहते हैं कि सन 1947 में बरेसगीर की तकसीम से पहले ही नज़र मोहम्मद की बैटिंग का शोहरा हो गया था। नज़र मोहम्मद का शुमार उन स्टाइलिश बल्लेबाजों में होता था जो बॉलर्स को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते थे और हमेशा अपने नेचुरल अंदाज में खेलते थे। सन 1952 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट स्टेटस मिला तो उम्मीद थी कि इसे नज़र मोहम्मद के तजुर्बे और सलाहियत से बहुत फ़ायदा होगा। हनीफ मोहम्मद की दरियाफ्त से इन्हें एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर भी मुयसर आ गया था। सन 1952 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा हिंदुस्तान पर रवाना हुई। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने अपना पहला टेस्ट खेला। अपने मुल्क की तरफ से नज़र मोहम्मद ने पहली गेंद खेली, पहला रन बनाया, लेकिन मैच पाकिस्तान हार गया। फिर लखनऊ में होने वाला दूसरा मैच पाकिस्तान एक इनिंग से जीत गया और यूं टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। नज़र मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ से पहली टेस्ट सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया और फिर बैट भी कैरी किया। इन्होंने एक और मुनफरद रिकॉर्ड ये बनाया कि मैच में तमाम वक्त ग्राउंड में मौजूद रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। नज़र मोहम्मद के बैट कैरी करने के 30 बरस बाद इनके फर्जंद मुदस्सर नज़र ने हिंदुस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई और बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए बैट भी कैरी किया। टेस्ट क्रिकेट में किसी और बाप बेटे ने यह एजाज़ हासिल नहीं किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम-ओ-दायम है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज़ का आखिरी टेस्ट कोलकाता में हुआ, जिसकी पहली इनिंग्स में नज़र मोहम्मद ने 55 और दूसरी इनिंग्स में 47 रन बनाए। उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये इनका आखिरी टेस्ट साबित होगा। उस वक्त यही नज़र आ रहा था कि टीम को एक लंबा अरसा इनका साथ मुयसर रहेगा, लेकिन एक अजीब हादसे ने इनका सफ़र खोटा कर दिया और वह सिर्फ 5 टेस्ट मैचों में ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके क्रिकेट को खैरबाद कह गए। क्रिकेट के नामवर मुबसर और लिखारी डॉक्टर नुमान न्याज ने अपनी किताब द फ्लक्चुएटिंग फॉर्चून्स में लिखा है कि नज़र मोहम्मद के साथ हादसा पेश न आता तो वह 10 साल मजीद पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे। नज़र मोहम्मद के साथ जो हादसा हुआ उसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं बल्कि इश्क के मैदान से था, और वो कोई आम औरत न थी कि जिस पर नज़र मोहम्मद मर मिटे थे, बल्कि वो अपने वक्त की कामयाब तरीन अदाकारा और गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां थी। कहते हैं कि इस मार का इश्क में दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। क्रिकेट में नज़र मोहम्मद के कमालात अपनी जगह, लेकिन इनकी अपनी आवाज़ भी कम सुरीली नहीं थी। दौरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक महफिल में आवाज़ का जादू जगाया तो मरूफ गुलकार तलत महमूद ने भी इनकी गायकी को सराहा। कहा जाता है कि नूरजहां की इनकी तरफ खींचे जाने की एक वजह इनकी सुरीली आवाज़ भी थी। मुमताज़ मौसीकार फिरोज निज़ामी इनके भाई थे, इसलिए फिल्म नगरी की फिज़ा इनके लिए अजनबी न थी। खूबरू नौजवानों से दोस्ती की शौकीन नूरजहां के साथ नज़र मोहम्मद के मरासिम शाहनूर स्टूडियो में पंजाबी फिल्म चनवे की फिल्म बंदी के दौरान उस्तवार हुए, जहां इनका आना जाना रहता। ये फिल्म नूरजहां के शौहर शौकत हुसैन रिजवी बना रहे थे। ये सन 1953 का साल था। इस फिल्म के मुकम्मल होने के बाद भी दोनों प्यार की पींगे बढ़ाते रहे। इसी दौरान लाहौर में सियासी सूरत हाल की वजह से हंगामे शुरू हो गए। हालात इतने बेकाबू हुए कि मार्शला लगाना पड़ा। शहर में कर्फ्यू भी लग गया। नूरजहां ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए दौरान कर्फ्यू नकलो हरकत के लिए खसूसी इजाज़तनामा हासिल कर लिया, और दूसरी तरफ नज़र मोहम्मद भी क्रिकेट सेलिब्रिटी थे, इसलिए इन्हें भी कोई रोकने वाला नहीं था। इश्क की आग में जलने वाले ये दोनों प्रेमी कर्फ्यू की रुकावटों को तोड़ते हुए इस्लामिया पार्क में वाकई एक दोस्त के घर मिलाप के लिए इकट्ठे हो गए। इस मिलाप की सुनगुन शौकत हुसैन रिजवी को भी थी। अपने जराए से बात कन्फर्म कर लेने के बाद इन्होंने अपनी बीवी के आशिक पर फैसला कुनवार करने का फैसला किया। मुमताज़ सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी मरहूम अपनी किताब फिल्मी अलिफ लैला में इस मुआशके की तस्दीक करते हुए लिखते हैं कि एक रोज़ मैडम नूरजहां नज़र मोहम्मद से मुलाकात के लिए गई हुई थी कि किसी खोजी ने शौकत रिजवी को खबर दे दी। शौकत रिजवी आग बगोला होकर मुखबर के हमरा वहां पहुंच गए। देखा तो मैडम नूरजहां वहां मौजूद थी, मगर नज़र मोहम्मद का नामो निशान तक न था। बाद में मालूम हुआ कि शौकत रिजवी का गरजने की आवाज़ सुनकर नज़र मोहम्मद ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और अपना एक बाजू तोड़वा बैठे। इस वाक़े के बाद मकान के बाहर खूब तमाशा लगा, लेकिन क्रिशन फिल्म्स के मियां एहसान नूरजहां को वहां से ले गए और यूं ये मामला वक्ती तौर पर ठंडा हो गया। मैडम नूरजहां ने अपनी सफाई में शौकत रिजवी से कहा कि वो यहाँ अपनी अजीज सहेली से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन शौकत रिजवी मुतमईन न हुए। इस वाक़े के अगले ही रोज़ पुरअसरार तौर पर नज़र मोहम्मद का बाजू टूट जाने की खबर भी शहर भर में फैल गई। अगरचे मैडम नूरजहां तो इस वाक़े की तरदीद ही करती रहीं, मगर शौकत रिजवी को कभी यकीन न आया। वो गुस्से में पीछोताप खाते हुए वापस लौट गए और सबको बताया कि अब वो नूरजहां की सूरत तक देखना नहीं चाहते। इसी मुआशके की वजह से कुछ अरसे बाद दोनों में अलहदगी हो गई।
शौकत हुसैन रिजवी ने बाद अपने एक इंटरव्यू में खुद भी बताया था कि इन्होंने अपनी महबूब बीवी नूरजहां के साथ इसके आशिक नजर मोहम्मद को रंगे हाथों पकड़ा। कहते हैं कि मुझे वहां देखकर नजर मोहम्मद घबराकर खिड़की से बाहर कूद गया, जो जमीन से तकरीबन 25 फीट ऊंची थी। शौकत रिजवी के बकौल, उस वक्त अगर मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं नूरजहां और नजर दोनों को गोली मार देता। दूसरी जानिब खिड़की से कूदने के बाद नजर मोहम्मद की जान तो बच गई, मगर क्रिकेट करियर तबाह हो गया। इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मायानाज खिलाड़ी से महरूम हो गई। बदनामी के डर से नजर मोहम्मद डॉक्टरों के पास जाने की बजाय जर्राहों और पहलवानों के चक्कर में पड़े रहे, जिसकी वजह से बाजू की हड्डी हमेशा के लिए ख़राब हो गई और फिर वो उम्र भर क्रिकेट ना खेल सके। बाद हज़ार नजर मोहम्मद ने इंग्लैंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी इलाज करवाया, लेकिन बाजू इस काबिल ना हो सका कि वो क्रिकेट जारी रख सकते। क्रिकेट हलकों के ख्याल में अगर स्टाइलिश बल्लेबाज नजर मोहम्मद एन करियर के अरूज पर नूरजहां के साथ इश्क की पींगे ना बढ़ाते तो शायद खिड़की से कूद कर बाजू तोड़वाने की नौबत भी ना आती और वो एक लंबे अरसे तक क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुल्क के लिए मजीद कामयाबियाँ समेटने का बायस बनते। ताहम बाद हज़ार इनके साहबजादे मुदस्सर नजर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की और फिर कौमी टीम के कोच भी बने। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।